बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही खूबसूरत सा स्नैक्स है ये बटरफ्लाई चिकन। बहुत मज़े का, बहुत ही जो है वो टेस्टी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले यहाँ पर हमने 400 ग्राम जो है वो चिकन ले लिया है, चिकन ब्रेस्ट था ये, उसको काट कर हमने इस तरह इसके जो है वो चौरस जो है वो पीस बना लिए हैं। ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हमने ये पीस रखे हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच भरकर हम दही डाल रहे हैं, एक चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, इसमें एक चम्मच सिरका डाल रहे हैं। सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। एक चम्मच जो है वो सोया सॉस जाएगा इसमें, हॉट चिली सॉस जा रहा है इसमें एक चम्मच, एक चम्मच इसमें मस्टर्ड ऑयल गया है, एक चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं हम, नमक डाल रहे हैं एक चम्मच, काली मिर्च हम जो है फ्रेश इस पर जो है वो क्रश कर रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर एक चम्मच भर का। आप स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, ये सुर्ख मिर्च पाउडर है, इससे पहले हमने पेपरिका पाउडर डाला है कलर के लिए, ये हमने ऑरेंज फूड कलर डाला है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, दही अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं स्पाइसेस वो अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह ये तमाम स्पाइसेस जो है वो इसके मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रेस्ट दे लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे हम दो चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर और इसमें एक कप जो है वो पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके ताकि कोई इसका लम्स जो है गुठली ना रहे, एक पतली सी जो है वो इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है, इसमें कोई भी जो है वो लम्स बाकी नहीं रहा, इस तरह ये पतली सी स्लरी होगी। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, इसको साइड पे करेंगे। तो अभी यहाँ आधा घंटा गुजर चुका है, हमारे चिकन को मैरिनेट हुए बहुत अच्छी तरह ये मैरिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे डालेंगे हम दो चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर, इसको अच्छी तरह जो है मिक्स करेंगे चिकन के साथ। कॉर्नफ्लावर डालने से हमारा चिकन जो है बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा और इसको ड्राई भी करेगा। अच्छी तरह कॉर्नफ्लावर को हमने चिकन के साथ मिक्स कर दिया है। तो अभी यहाँ पे हमने आलू को इस तरह स्लाइस की सूरत में काट लिया है, इस तरह के हमने ना ही बहुत थिन और ना ही बहुत थिक हमने करना है। तो अब इसको कॉर्नफ्लावर की स्लरी में जो है वो आलू को डिप करेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे और आलू को उंगली और अंगूठे के दरमियान इस तरह रख कर थोड़ा सा ऐसे जो है वो डीप करेंगे और चिकन का एक पीस लेकर इसके अंदर रखेंगे। और अब जहाँ पे हम लेंगे टूथपिक आलू के स्लाइस और चिकन में से गुजार कर इसको इस तरह जो है वो टर्न करके जोड़ लेंगे, अगर एक से नहीं तो आप दो टूथपिक लगा कर इसको अच्छी तरह जो है वो जोड़ लें। इसी तरह हम सारे जो है वो पीस तैयार कर लेंगे।
तो अभी तक अगर आपने चैनल को जावा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी के सारे भी हम इसी तरह जो है वो कर लेंगे। जहाँ देख सकते हैं हमने काफ़ी सारे कर लिए, थोड़े से चिकन से बहुत सारे स्नैक्स तैयार होते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसे गर्म करना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे हमने इसे गर्म नहीं करना। सारे पीसेस हम इसमें डालेंगे और उलट पलट कर हम इसे जो है वो अच्छी तरह गोल्डन होने तक पका लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो है चिकन और हमारे जो है वो पोटैटो चिप्स के साथ में वो क्रिस्पी हो रहे हैं। तो इनको आप दूसरी साइड से हम पलट रहे हैं ताकि अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो जाए। अच्छी तरह ये देखें माशाल्लाह से ये क्रिस्पी हो चुके हैं और बहुत प्यारा सा इनको कलर भी आ चुका है। तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फाइनली आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची से जो है वो हमारे जो है बटरफ्लाई चिकन रेडी हैं। बाहर से ये चिप्स की तरह क्रिस्पी है और अंदर से चिकन जो है बहुत ही जूसी है। चिप्स और चिकन का एक साथ जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मज़ा देता है। आप इसे जो है वो केचप के साथ, हरी पुदीने की चटनी के साथ इंजॉय करें, मेहमानों को सर्व करें, इफ्तार पार्टीज़ में रखें, इंशाल्लाह बहुत पसंद किए जाएंगे। देखने में ये बहुत खूबसूरत होते हैं और वन बाइट जो स्नैक है बहुत मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब